ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से अधिक यात्री घायल हैं। वहीं इस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा, उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा, ये हर नागरिक का अधिकार है। सीएम योगी ने ओडिशा के दुखद ट्रेन हादसे को लेकर ट्वीट भी किया है और लिखा है, ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां बहनागा बाजार स्टेशन पर पहले बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और फिर उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। इसके बाद एक मालगाड़ी भी उनसे टकरा गई। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 250 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है और 300 से अधिक लोग घायल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा ट्रेन हादसे के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।